मैंने पूछा एक छात्र से, प्रतीक भैया, मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की। मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की, आर्यभट्ट बोला तपाक से, फिर पूछ उठा ये सोच उसे किसने दी। उसके इस प्रश्न पर भैया मैं तो मौन था, उसके इस प्रश्न पर मैं तो बिल्कुल मौन था, सोचा मन में वो कौन था, वो कौन था। फिर उसका जवाब आया, सर खोजा होगा काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में, और शून्य की खोज की होगी किसी और ने, आपकी गणित की जानकारी थोड़ी न्यून है, आज के इस दौर में लगता आप भी भावशून है, आज के इस दौर में लगता आप भी भावशून है। भावशून्यता के इस दौर में मैं चाहता हूं कि उत्तम उत्कर्ष जी आए माइक पे और अब कविता शुरुआत अब करें प्रॉपर। बहुत बहुत आभार भैया, आपने मेरे सम्मान में जो ताली बजाई है भगवान कसम हम अकेले बजा सकते थे। थोड़ी देर के लिए आप ये सब फोन ऑन रख देते, थोड़ी देर देख के सुनिएगा, जुड़ के सुनिएगा, मजा बिल्कुल आएगा। आप लोग भले कम संख्या में हैं, पर हम लोग ज्यादा संख्या में हैं। बिल्कुल मन से सुनिएगा। अभी कल्याण पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था, कह रहा था उसकी हल्दी है, ये है, वो है, ये सब नहीं पता। पर जिस दिन मेरे पिताजी को पता चला था कि वो उससे, मैं उससे प्यार करता हूँ, उस दिन वो ऐसा मारा था कि उस दिन उसकी हल्दी जरूर लग गई थी मुझे। मैं भी चार चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रदीप भैया की उपस्थिति है, सारे बड़े लोगों की उपस्थिति है मंच पे। बिल्कुल कुछ नया पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल चार चार पंक्ति। इन दिनों एक बहुत, एक सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत वायरल हुई, वहां से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपने काव्यपाठ की शुरुआत करता हूँ। जैसा जैसा मन होगा पढ़ता चला जाऊंगा, सुनिएगा। कि जादू करे मंत्र करे मैजिक न दिखा दे, जादू करे मंत्र करे मैजिक न दिखा दे, वोटों को लूटने की कोई ट्रिक न लगा दे, अगर ऐसे ही मोदी जी जलवे करते रहे तो, अगर ऐसे ही मोदी जी जलवे करते रहे तो, राहुल जी आपको ये मकैनिक न बना दे, राहुल जी आपको ये मकैनिक। और चार पंक्तियां बिल्कुल इन दिनों बिल्कुल नई घटना। कि गाली जहां देनी थी वहां विष निकल गई, गाली जहां देनी थी वहां विष निकल गई, गलती सी जो, गलती से जो खाई थी वो ही डिस निकल गई, ये ही पता नहीं कि कब करना क्या कहां, ये ही पता नहीं कि कब करना क्या कहां, अब देखो तो संसद में फ्लाइंग किस निकल गई, अब देखो तो संसद में फ्लाइंग किस निकल गई। और एक छंद बिल्कुल ताजा सा छंद आपके बीच पढ़ता हूं। कि गर हो हराने वाला हार जाएगा कोई भी बात मान लीजिए ये सबको बताइए, दद्दू सुनिएगा। कि गर हो हराने वाला हार जाएगा कोई भी बात मेरी मान लीजिए, बात मेरी मान लीजिए सब, बात मान लीजिए सभी को बतलाइए, और एक बात आपको बता रहा हूँ ध्यान देना, समझ में आए तो सभी को समझाइए। कि सब कहते हैं इश्क हारता नहीं किसी से, मैंने कहा आप हमें मूर्ख ना बनाइए, सब कहते हैं इश्क हारता नहीं किसी से, मैंने कहा आप हमें मूर्ख ना बनाइए। ओ इतना अजय है तो मेरी एक बात मानो, भाजपा के सामने चुनाव लड़वाइए, भाजपा के सामने चुनाव लड़वाइए। और चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं, कुछ मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं सुनिएगा। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, आजकल प्रेम होता है और प्रेम में पूछा जाता मुझसे कितना प्रेम करते हो, चार पंक्तियां सुनिए।
संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, खाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की तरह, पर मैं भी। और कुछ लड़कियां बैठी हैं, एक बार एक पिताजी ने लड़कियों से पूछा, अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए लड़का देखना है, कैसा लड़का चाहिए? तो लड़कियों का फेवरेट कलर याद रखना मैम, और ये चार पंक्तियां सुनिएगा कि पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए, कर लेंगे सर्च सिर्फ हमको लिंक चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, दूल्हे का कलर पापा हमें पिंक बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।